कुरबानी का बकरा जेड़ा पैगाम की देंदा है, हिकमतां की ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वफा दा पैगाम दे के जा रहा है। चंद दिन तू मेरा आरसी मालक है, हकीकी मालक नहीं। ओए बंदा कुरबानी दे जानवर दा, बल्कि दुनिया की किसे शह दा कोई बंदा हकीकी मालक नहीं। हकीकी मालक कौन है? अल्लाह की जात है। चंद रुपये चंद पैसे इन्हें खर्च किए ने, आरसी तौर पर इसकी मलकियत के अंदर जानवर आ गया, इन्हें इनू वंडा पाया, इन्हें मुरब्बा खिलाया, इन्हें इनू घा पाया, इन्हें इनकी खिदमत की है। अल्लाह की कसमे मुहब्बत ते वफा दे रिश्ते नू मैं ते डंगरां नू वी निभांदिआं वेख्या, मुहब्बत ते वफा दे रिश्ते जानवरां नू नहीं निभांदिआं वेख्या, सारे ने वेख्या। कुरबानी दा बकरा कुरबान करेगा, अल्लाह दे नाते सरेआम करेगा। कुरबानी दा जानवर तू मुल ले आया, चंद देनी तू इनू चारा है पाया, मुहब्बतां वफावां दा रिश्ता निभाया। समझ आउंदी है बई? मुहब्बतां ऐ बकरा ऐ तेरा ऊंट ऐ तेरा कुर्बानी दा जानवर, मुहब्बतां वफावां दा इन रिश्ता नभाया, गलों रस्सी ला के तू कई बार अजमाया, जिधर जाएगा तेरे पीछे पीछे चलेगा, अल्लाह दे नावे तू सरे आम करेगा। कुर्बानी दा बकरा तू कुर्बान करेगा, अल्लाह दे नावे सरे आम करेगा। कुर्बानी करन वाला भी ते कुर्बानी ना करन वाला भी हजामत नहीं करवानी, पैरां दे हथां दे नहुं नहीं कटने, जेरे नाव वाल साफ नहीं करने, बगलां साफ नहीं करनियां। जिन्हें कुर्बानी करनी है उदे वास्ते भी हुक्म है, जिन्हें नहीं करनी, नबी रहमत अली सलाम ने फरमाया वाल साफ ईद की नमाज पढ़ के कर लै, नाखन उतार लै, कुर्बानी दे बराबर अल्लाह उन्हूं अजरु सवाब अता फरमा देंगे। हाँ मैं अर्ज कर रहा सा दाढ़ी लुआ लैनी है, बाकी को वाल साफ, हाँ बाकी वाल साफ नहीं कर, दाढ़ी दे कर लैने, ठीक है ना। अल्लाह दे बंदे हो आया दस दिन जो दाढ़ी नहीं लवाते असी जर लेने बर्दाश्त कर लेने, तो बाकी दिन अंदर भी तो उस रब न प्यारी लगती है, उस रब की कली है, उस रब का ही हुक्म है। दाढ़ी रखना फर्ज है, सुन्नत नहीं। जे लोग सुन्नत कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इंज करके फड़िया दाढ़ी मेरे वाल वेखो, इंज करके फरमाया फड़ के हा दा अमारानी रबी, ए दाढ़ी मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असना दाढ़ी पकड़ के फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत सन्नत ना क्या करो, क्योंकि ये फर्ज है दाढ़ी रखना। बहरहाल जिन्होंने नसीब है अल्लाह पाक कबूल फरमाए, तो जेड़े बेचारे सुस्ती करते हैं अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहर कैफ ये कुरबानी दे अयाम, हर बंदा कुरबानी वल ध्यान रखता है, हर बंदा कुरबानी की जुस्तजू के अंदर है और कोशिश के अंदर है। तो मैं भी इस हवाले नाल ही चंद गुजारशात करनिया ने, क्योंकि बड़ा वड्डा अमल है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। ले कुल्ले शारातिन हासाना, हर वाल दे बदले एदी यानी नेकी मिलेगी। नबी सलातो सलाम नू सहाबा कहिंदे ने सोने वाल ते भेड़ा छत्रियां दे बरीक हुंदे ने, आपने फरमाया भावें जिन्ने भी बरीक हुंदे ने अल्लाह पाक हर वाल दे बदले नेकी अता फरमाएगा। और इन्ना अजीम अमल है कुरबानी, तवज्जो फरमाया जे इनू वाजिब और फर्ज का दर्जा दिता जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी इस्तेतात हिम्मत रखदे होया कुरबानी नहीं करता, साड़ी ईदगाह वल ईद की नमाज पढ़न भी ना आवे। और जानवर जिसले अल्लाह की मुहब्बत और अल्लाह की रजा की खातर छुरी उहदी गर्दन ते रख दिती जांदी है, खून का कतरा उन्हों तकबीर पाया जमीन ते बाद विच आउंदा है, कुरबानी करन वाले दा हर गुना अल्लाह पहला माफ फरमा देंदे ने। और ओ जानवर है कुरबानी दा कयामत वाले दिन पुल सरात ते अल्लाह पाक इन्हां तो बैठ के गुजरन दा हुक्म फरमाणगे, और बहुत ज्यादा इस अजर है, बहुत ज्यादा इसके अंदर खैर है।
बहुत ज्यादा इसके अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। कुरान पाक दिया मैं इंशाल्लाह आज दे खुतबा जुमा दे अंदर 18 तो 20 आयात पढ़ांगा। किनिया 20 आयात पढ़ांगा जिथे जिथे कुर्बानी का जिक्र आंदा मैं इंशाल्लाह वो आयात पढ़ता जावांगा और फिर अपनी कुर्बानिया ते असी गौर करांगे। कुछ मसाइल कुछ आदाब दसन तो बाद इंशाल्लाह रहमान बात नू इख्तिताम दी तरफ ले आंदा जाएगा। कुरान सुनने वास्ते तैयार हो माशाल्लाह। आवाज आउंदी है मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दो। सूरह बकरा दूसरा पारा वातिमुल हज्जा वल उमराता 5 से 6 आयात पढ़ांगा जिन्हां दे अंदर 4 मरतबा कुर्बानी का जिक्र है। किन्नी मरतबा? 4 मरतबा। वातिमुल हज्जा वल उमराता लिल्लाह फाइन सिर तुम फमस्तई सारा मेना लहादी। इत लफजे हद तो मुराद जेड़ा ये कुर्बानी है। ये कुर्बानी हाजिया की कुर्बानी क्योंकि कुर्बानी का हज का आपस के अंदर बड़ा गहरा ताल्लक है। जिमें रमजान तो कुरान का बड़ा गहरा ताल्लक बड़ी गहरी मुहब्बत है, इस तरह हज तो कुर्बानी की बड़ी गहरी मुहब्बत गहरा प्यार है। इस वास्ते हज के मौके के उत्ते रब अल कुर्बानी का जिक्र फरमा रहे ने कि जदों हाजी हज करन जान ते उन्हां नूं रोक लिया जाए कुर्बानी दे जानवर नाल होण ते की करना है। फरमाया वा अतिमुल हज वालो उमराता लिल्लाह फा इन ओह सिर तुम फमस्तई सारा मेना लहा दिए वाला तहले कुरू सकुम हत्ता या बोलो गलहा दियो महिला। जे तुसी रोक ले गयो ते कुर्बानी दे जानवर ज़बा कर दो। ते दूसरा मसला फरमाया तुसी अगर वला तहले कुरू सकुम हत्ता या बोलो गलहा दियो महिला। हाजियो कुर्बानी उदो करनी है अपना सिर उदो मंडवाना है जदों कुर्बानी दा जानवर कुर्बान गाह दे अंदर पहुंच जांदा है। कुर्बानी करन तो बाद अल्लाह जुल जलाले वाली कराम फरमांदे ने फमन कान मिनकुम मरीजन औ बेही अजम मिर रासही फफिदिया तुम मिन सियामिन औ सादा का तिन औ नुसुक। नुसुक भी आंदे ने मनासक, ए भी यानी मनासक हज विचो एक नुसुक ए कुर्बानी है। इत्थे कुर्बानी का जिक्र है, तीसरी जगह ते कुर्बानी का जिक्र है इन आयात दे अंदर ही। की मतलब के अगर तुसी सिर मंडवाना है पहला ते किसे तकली औ बेही अजम मिर रास ही फफिदिया तुम मिन सियामिन औ सादा का तिन औ नुसुक। उसके कफारियां दे अंदर अल्लाह ने एक कफारा कुर्बानी का रखिया है ते सदका करो ते या फिर तुसी कुर्बानी करो। ए अल्लाह जुल जलाल ने तीसरे नंबर ते इत्थे कुर्बानी दा तज़किरा फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फमल्लम या जिद फसयामो सलासत अय्यामिन फिल हज व सबातिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमल्लम यकुन अहलु हाज़िरिल मस्जिदिल फरमाया रब्बुल आलमी। ए कुराने पाक दा हुन जरा दूसरा मुकाम जरा नोट फरमा लिया जे। आवाज आउंदी है अल्लज़ीन कालू इन्नल्लाह आहिद इलैना अल्ला नुमिन लिरसूलिन हत
कुर्बान आ गया या अतिया ना बे कुर्बान नार कुल कद जा कुम रसुलु मिन कबली बिल बय्यना कद्दब तुम वकुल तुम। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम ने इथे जिहड़ी कुर्बानी का जिक्र फरमाया वह कुर्बानी किस तरह की है जिमें मुख्तलिफ नबिया नाल मुख्तलिफ किस्म के उम्मतां दे रवैये इस तरह मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई ते मुशरकी ने मक्का ने मुख्तलिफ किस्म दे जनाब मुतालबात रख दिते मुख्तलिफ किस्म दे सवालात मेरे नबी दे सामने रख दिते कदी कोई गल कदी कोई गल। 15वें पारे दे अंदर अल्लाह पाक ने अजीब इन्हां दीआं बातां दा जिक्र फरमाया है आंदे ने औ तकून लक बई तुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस समा कदी आंदे वलन नुमिन लिरुकिये का हत्ता तो नज़ला अलैना किताबन नकरा कुल सुबहान रब्बी हल कुल तो इल्ला बशर रसूला। जे तू अल्लाह दा नबी हुंदो बड़ अतवजो फरमाए दे दर जे तू अल्लाह दा नबी हुंदे हुंदा जन्नत मिन नखील इन वायना बिन बाग हुंदे सोने चांदी दा तेरा घर हुंदा अलहदा तेरा इंतजाम हुंदा डेरा डंडा हुंदा साडे सामने आसमाना ते तू चढ़दा किताब लैके आउंदा फरिश्ते तेरे नाल हुंदे इंज दे सवालात करदे उहनां विचों इक सवाल इह वी इहनां कर दित्ता अल्लज़ीन कालू इन अल्लाह आहद इलैना अल्लाह नो मिन रसूल हत्ता यातियना बेकुर्बानिन ताकुलुहुन नार कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बय्यनात वकज़्ज़बतुम वकुल्तुम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने सोणिया इन्हां नूं इह कह दे आखण लगे जे तू अल्लाह दा नबी है ते फिर असी ते इंज करके मनने आ के साडे सामने जिहड़ा नबूवत दा दावा करे वह कुरबानी भी करे और कुरबानी दा जानवर इस तरह मैदान दे अंदर सुट दिता जाए ते ताकोलो हुन नार उत्तों आसमाना तो अग पवे ते उस कुरबानी वाली चीज नू जला के रख दे राख कर दे सुआह कर दे असी फिर मानने आ ते अल्लाह सुब जलाल ने फरमाया सोनिया झूठ बोलते नहीं इन्हां नू कह ए मतालबे मेरे तो पहले नबिया ने तुहाडे पूरे कर दिते ने फकर सब तुम तुसा उन्हां नू जुटला दिता तुसी बकवास करते हो इस तो पहला कुर्बानियां कीतियां गईयां और कुर्बानी दी चीज नू आसमान तो अग आके जला देंदी राख ते सा बना देंदी ते इन्हां मन्नन दी बजाय उल्टा उन्हां नू कतल कर दिता। अल्लाह जुल जलाल दा बहुत बड़ा साडे ते एहसान है अल्लाह दी कसम जे कदी ओहो ही सूरत हाल अज कदी हुंदी ना ते कईयां दे पोल खुल जाने सन के ऊंट जबा करके सुट दो मैदान दे अंदर बैल नू तकबीर पा के सुट दो मैदान दे अंदर बकरे जेड़े छतरे जानवर इन्हां नू सुट दो तकबीर पा के मैदान दे अंदर जिदी सड़ गई ओदी कबूल हो गई जिदी पई रही ओदी रद्द कर दिती गई। अल्लाह पाक दी मैं रहमत ते शफकत तो सदके जावां सोहणे मालक ने परदे पाए ने इत्थे कुर्बानियां लोग करोड़ां दीआं करदे ने महल्ले दे अंदर बेशुमार ऐसे लोग ने एक एक लुकमे नू तरसदे आ बुद्धता उन्हां नू गुजर गईयां और इन्नी इन्नी तंगी दी जिंदगी गुजारदे ने मैं तरदीद नहीं करदा कुर्बानी बहुत महबूब अमल है कुर्बानी बहुत बड़ा अमल है। और जेड़े लोग कहिंदे ने माज़ अल्लाह फजूल पैसे ने जानवर मुक जाणगे ये पॉलिसी ठीक नहीं ओ आप बदबख्त ठीक नहीं क्योंकि ये अल्लाह पाक दा हुक्म है अल्लाह पाक दी तरफों आर्डर है और ये जिन्नी लोग करते जाणगे रब ओनी बरकत पांदा जाएगा। कहो सुभान रब बरकत पांदा जाएगा लेकिन ऐसे मौकियां दे उते ना मुस्तहकीन दा ख्याल रखिया करो
और जरूरतमंदा का खास कर ख्याल रखा करो। ए कुराने पाक का जरा तीसरा मुकाम नोट फरमा लो, फिर इन बातों की तरफ आने। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दे, वाले कुल उम्मतिन जअलना मन सकल यज़कुर इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलौ अस्लिमु वबशिरिल मुख़बितीन। इस कुर्बानी का ताल्लुक हर दौर अंदर हर उम्मत दे नाल रहा है। मन सकन ले याद कुरिस्मल्ला लामा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, अल्लाह ने जेड़े बहीमतिल अनाम चुपाए तुहानू पालतू ए बतौरे खास अता कीते ने। फ़ज़कुरिस्मल्ला अल्लाह दा नाम लवो ते इन्हां दी गर्दन ते छुरी चला दियो, इन्हां दीआं कुर्बानियां कर दियो। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन उस अल्लाह दे नां ते जानवर दी गर्दन ते छुरी चलानी है जेड़ा इलाए ते कल्ला इलाए, ओदे इलावा इला कोई नहीं, ओदे इलावा मुश्किल कुछ आ कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनान वाला कोई नहीं, खालक मालक ते राजक कोई नहीं। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमु, ओदे ताबेदार बन जाओ, ओदे फर्मा बरदार बन जाओ। वबशरिल मुखबतीन। ते खुश खबरी है आज जीन के सारी इख्तियार करन वाले वास्ते कुराने पाक दा चौथा मुकाम जरा नोट फरमा लो। आवाज आउंदी है वल बुद न जअलना अलकुम मिन शायरिल्लाह लकुम फीहा खैर फ़ज़कुर इस्मल्लाह अला फ़ज़कुर इस्मल्लाह अलैहा सवाफ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। ऊंट की कुर्बानी का इतने अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया। अल्लाह जेड़े ऊंट वाले ने उन्हां दे ऊंट कबूल फरमा लै, जेड़े बैलां वाले ने बैल कबूल फरमा लै, बकरियां छतरियां वाले दे सोने सोने अल्लाह सारियां दियां ये कुर्बानियां दे जानवर और मुहब्बत अल्लाह सब दियां कबूल फरमा लै। फरमाया वल बुदन जालना हालकुम मिन शायरिल्लाह, कुर्बानी का जानवर जेड़ा ऊंट है अल्लाह दियां निशानियां विचों एक निशानी है, ते जदों इहदी कुर्बानी करो फ़ज़कुर इस्मल्लाह फरमाया लकुम फीहा खैर, ते असां इहदे अंदर बड़ी सारी खैर रखी है। फ़ज़कुर इस्मल्लाह अलैहा सवाफ, ते जदों तुसीं इहनूं कुर्बान करो अल्लाह दे नां ते कुर्बान करना, कि दे नां ते नाने दे नां ते चाचे दे नां ते दाता साहब लौरी दे नां ते दूजे तीजे दे नाम ते कुर्बान करना मोमन बंदे दा कम नहीं। बकरे देना छतरे देना देगा देना चढ़ावे चाढ़ना मोमन गैरतमंद बंदे दा कम नहीं। मोमन गैरतमंद होया करदा अल्लाह दे पैदा कीते जानवर रब दा अता कीता रिजक जदो खर्च करेगा रब दे नाम ते खर्च करेगा, कुर्बानी करेगा ते रब दे नाम दी दे करेगा, नजर देगा ते उस अपने हकीकी खालिक दे नाम ते देगा, न्याज देगा ते अपने रब्बुल आलमीन दे नाम ते देगा। ओए मोमन गैरतमंद हुंदा बेगैरत नहीं हुंदा, इस वास्ते अल्लाह सानू गैरतमंद बना दे। उच्ची आमीन कह दे।
फरमाया मैं बहुत बड़ी निशानी बनाई है ऊंट, मेरी निशानियां विचों निशानी है लकुम फिया खैर, इहदे अंदर बड़ी सारी तुहाडे वास्ते खैर है। ते जदों इहनूं ज़बह करना किहदे नां ते करना है? अल्लाह दे नां ते करना है। वेंदे नहीं जे अफला यंजुरूना इलल इबल कैफा खुलकत, मैं किड्डा वड्डा जानवर किवें पैदा फरमा दिता है। वाइलल समाए कई फारो फयाद, वाइलल जिबाले कई फानो सिबत, वाइलल अर्दे कई फासोते हाद। वेखो मैं पहाड़ किंज बना दिते, आसमान किमें बुलंद कर दिते, जमीन किमें बछा दिती। वेखो अफा ला यंदो रूना एलल एपेले कई फाखो लेकर, तो आधे वास्ते एडा वड़ा खूबसूरत और एना नफेमंद ऊट मैं किदा बेहतरीन पैदा फरमा दिता है। इनू जबा करना है, इनू नहर करना है, ते किदे नाते करना है? रब दे नाते करना है। सुभान अल्लाह। फरमाया फाइदा वजबत जुनूबहा फकुलू मिनहा वाते मुल्कान वल मोतर, ते जदों ए अपने पहलू दे बल डिग पवे एदे तुसी गोश बनाना शुरू कर दियो। फकुलू मिनहा ते एदे विचो आप भी खाया करो। फरमाया वाते मुल्कान वल मोतर, सूरह हज दा एहो ही पारा एहो ही सूरत ते दूसरा मुकाम, वा आते मुल बाय सल फकीर, मंगण वालेयां नूं वी देणे ते ना मंगण वालेयां नूं वी। चंगा चंगा नहीं देना, चंगा 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 नहीं देना। रान पुट गर्दन सीना सोहणियां सोहणियां बोटियां ला के पहले नंबर ते तकबीर ता पानी है बूहे बंद करके। पहले दिन ने करना नहीं, चाचे आरा करना है। दूसरे दिन ताए आरा करा है। तीसरे दिन छोटे चाचे ने करना है। ते करना किवें वे? छुरियां सारियां जियां फड़ लैनियां ने, बूहे बंद कर लेने ने, गली ते पैरा ला देना है। हाय अल्लाह मेरी तौबा, हाय अल्लाह मेरी तौबा। इस कौम दे हाल ते अल्लाह रहम फरमा दे। मैं आयात पढ़नियां चाहना, जदों पहलू दे बल गिर जाए गोश बनाओ आप खाओ, जिहड़ा मंगदा ओनू दिओ, जिहड़ा नहीं मंगदा ओनू भी दिओ। कज़ालिक सखरना हालकुम लअल्लकुम तशकुरून। मैं तुहाडे ताबे इस वास्ते कीता, ऊंट ते बंदा को जोड़ा है, ओ है को जोड़? ऊंट ते बंदे दा कोई जोड़ नहीं, बैल ते बंदे दा कोई जोड़ नहीं। एडे एडे हैवी किस्म दे जानवर अल्लाह ने इंसान दे ताबे। कज़ालिक सखरना हालकुम, किते फरमाया वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबुहा वजीना व यखलुकु मा ला ता। एक खच्चर, एक घोड़े, एक गधे मजबूत और किते इंसान नालो मजबूत। और बंदिया मैं तेरे ताबे कीते ने, जदों इस्तेमाल करें सवारी वास्ते उत्ते सवार हो जाए। सुभान अल्लज़ी सखर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। मेरा शुक्रिया अदा करया कर जिन्ने मुसखर कीते ने तेरे वास्ते। ऐ ऊंट तुहाडी मजाल ही नहीं सी, तुसी इहनू ज़बह कर सको, कुर्बानी कर सको। बकरे नालों ऊंट करना सौखा हुंदा है, बकरे नालों ऊंट करना वाकई सौखा होता है। लोग तो तमाशा ला छड़दे ने, बहुत आसान है। गोडा बनो नहर करन वास्ते, ऐ शारग ऐ मेन ऐ सीने दे अंदर इक्को वार दे नाल, इक्को कल्ला बंदा आसानी नाल इतने बड़े ऊंट नू। कज़ालिक सखरना हालकुम, कल्ला बंदा इतने बड़े ऊंट नू, जबकि एक पासे 500 बंदा होवे ते ऊंट फिर भी उन्हां नालों जनाब किते भारी है। कल्ला बंदा ऊंट नहर करदा पिया। वेखिया करो हज दे मौके ते कदी ओ हाजी स्पैशलिस्ट जिहड़े ने नहर करन दे, जनाब एन चंद सैकंड ही बंदा लैंदा। ऊंट जिहड़े ने दरवाजे चों आ रहे ने, एक गोडे बन के अगे घलदा पिया, दूसरा जेड़ा चंद सैकंड दो चार पांच सैकंड लगते ने नहर करके पिछे हट जाता है। एडा आसान तरीका है। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमा दे।
कदालिक सखरना हालकुम लअल्लकुम तशकुरून, मैं तुहाडे ताबे तां कीता कि तुसी मेरा शुक्रिया भी अदा करो, खा पी के डकार ना खाली मारो, की करो मेरा शुक्रिया अदा करो। और कुरान पाक दा कितवा मुकाम पंजवा, अल्लाह जुलजलाले वाल इकराम फरमांदे ने मेरे सोने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दियो। अल्लाह जुलजलाल फरमांदे ने जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम कियामल लिन्नास वश्शहरल हराम वल हदिया वल कलाइद। इत्थे भी कुर्बानी दा जिक्र आ गया, इत्थे भी कुर्बानी दा जिक्र, काबा बैतुल्ला मस्जिद हराम हुरमत वालियां जगह ने, कयाम लिन्नास है, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी लोगां दे कयाम ते अमन दी जगह है। कयाम दी जगह किवें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्नी देर तक बैतुल्ला लोगां दे अंदर मौजूद है कयामत नहीं आएगी, कुर्बे कयामत बैतुल्ला नू उठा लिया जाएगा। और ओ हुदल लिन्नास भी है और लोगां दी अमन दी जगह भी है, हदायत दी जगह भी है। फरमाया वश्शहरल हराम ते ऐ जेड़े हज दे दिन ते हज दा महीना ए भी हुरमत वाला। अल्लाह जुलजलाल फरमाने ने वल हादिया वल कलाएदा, इथे कुर्बानी दे जानवरां दी हुरमत, कुर्बानी दे जानवरां दा एहतराम, इन अल्फाज दे अंदर अल्लाह बयान फरमा रहे ने। और अगे सुनो ज़ालिका लितालमू अन्नल्लाह यालमु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दे व अन्नल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम। ए मैं सारिया चीजा हुरमत वाली, दिन हुरमत वाले और बैतुल्ला हुरमत वाला, तुहाडे क्याम दी जगह और तुहाडे अमन दी जगह है। अल्लाह पाक फरमांदे ने इस वास्ते के जान लो अल्लाह दे इलम दे अंदर जमीन आसमान दियां तमाम बातां, व अन्न अल्लाह बेकुल्ले शैइन अलीम, अल्लाह पाक नू हर चीज दा इलम है। और आइए तवज्जो फरमाना कुराने पाक दा छेवा मुकाम, आवाज आउंदी है हुमुल्लज़ीना कफरू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिया माकूफन अय्यबलुग महिल्ला वलौला रिजालुम मुमिनूना वनिसाउम मुमिनातुल लम तालमूहुम अंततउहुम वतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिल الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما। अल्लाह जिन्हें आए नहीं कुरान की मोहब्बत अता फरमा दे, माना की है तर्जमा, अल्लाह ने उस मौके नू बयान फरमाया मुशरकीने मक्का दी करतूत रब ने इस मौके ते बयान हुमुल्लज़ीन कफरू वसद्दू कुमानिल मस्जिदिल हराम वल हादिया माकूफन यबलुगा महिल्ला। सुनिया ए ओ काफर बेईमान ने जिन्ना तेनू बैतुल्ला जान तो रोकया, वल हादिया माकूफन ओ वकफ कीते जानवर कुर्बानी दे कुर्बान गा तक पहुंचाण तो इन्हां रोक दिते, ते सोनिया उस वेले असा तेनू जंग दा आर्डर हुक्म इजाजत ता नहीं दिती जदो सुलह हुदैबिया दे उते सारा काम होया। वलौला रिजाल मोमिनूना वनिसाउ मोमिनात लम तालमूहुम अंततउहुम फतुसीबकुम मिनहुम महरतुम बिगैर इल्म। बहुत सारे ऐसे मुसलमान बंदे और ऐसिया मोमनात औरतां जिहड़ियां तेरे इलम दे अंदर ही नहीं, जंग दा आर्डर दे दें दे सोनिया जंग लग जांदी, मार कुटाई शुरू हो जांदी, ते बाद दे विच जिसले मोमन बंदियां नू नुकसान पहुंचदा ते तेनू तकलीफ होनी सी। इस वास्ते लयुदखिल अल्लाह फी रहमतही मन यशा, जिन्नू चांदा अल्लाह अपनी रहमत नाल नवाजदा। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीना कफरु
منهم عذابا علیما. قرآن پاک دا ستواں مقام کتواں کتواں ستواں مقام تے قربانی دا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر. فصلی لربک, بولو سارے فصلی لربک وانہر. قربانی پہلا تے نماز, نماز نماز بعد اچھے کہ نماز پہلا ہے؟ نماز پہلا ہے, نماز پہلا. اٹھاؤ حدیثی کتب, عید دی نماز پڑھن تو پہلا صحیح بخاری چ روایت ہے, صحابی رسول کہندا ہے اسی رسول اللہ علیہ السلام دے نال نماز پڑھی, تے نماز پڑھن تو پہلا ہی نا قربانیاں دے جانور لوکاں بعد لوگاں نے ذبح کر لیا, قربانیاں کر لیاں. حضور اسی تے قربانی کر بیٹھے ہاں. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر نماز پڑھوں جیڑا قربانی کرے قربانی ہندی, قربانی ہندی. جن مرضی کروڑاں دے جانور لے آو, جو میں فتویٰ لکھ کے دینا, میں فتویٰ دینا, اللہ دی قسم اس بندے دی قربانی نہیں ہندی, گوشت ہی ہے. کھالا جنہ دل کردا سو کھالا, جیڑا نمازی نہیں او دی قربانی. صحیح بخاری چ روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر, جڑا عصر دی دیگر دی نماز ترک کر دیندا ہے, چھڑ دیندا ہے, جان بوجھ کے نہیں پڑھدا, فقد حبط عمله. قربانی تے قربانی رہ گئی, کوئی عمل بھی اللہ اس کا قبول نہیں کرتا. قربانی دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے حج نال تے ہور نماز نال. فصلی, سونیا نماز پہلا پڑھ. فصلی لے رب کا, نماز اپنے رب دی پہلا پڑھ. ون ہر تے قربانی, قربانی. اور ایک ہور مقام سن لو اٹھواں جے جڑے میں گنن دیا, اس تو علاوہ اور کنیاں آیات پڑھیاں گئی ہیں. ایک ہور مقام سن لو, اوتھے بھی پہلا نماز دے پھر قربانی. فرمایا سونیا اعلان کر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. تسا غور نہیں کیتا, ان صلاتی میری نماز, ان صلاتی میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیایا میری زندگی, و مماتی میری موت, للہ رب العالمین. قربانی دی حکمت, قربانی دا فلسفہ, قربانی دیاں برکتاں, قربانی دی خیر. اللہ دی قسمیں اے بابا سارے جمعیاں دا ٹائم چاہید ہے, جنیاں کو رب نے اسے اندر خوبیاں رکھیاں نے, احادیث اندر جنی کو خیر و برکت بیان کیتی گئی ہے. آئیے توجہ فرمانا, قربانی دا بکرا بڑا بڑا کچھ پیغام دیندا ہے, اور قربانی دے جانور دے انا یعنی قربانی دے اس عمل دے اندر اللہ نے بڑی بڑی بر حکمت سمیٹی ہے, بڑے سارے اسباق اللہ پاک نے رکھے نے, سبحان اللہ, بڑیاں ساریاں خوبیاں رکھیاں نے. اے سورہ حج دے اندر فرمایا لیشہدو منافع لہم, لیشہدو منافع لہم, ویذکر اسم اللہ. اللہ پاک فرما دے نے او لوگو اے دے اندر بڑا نفع ہے, بڑی خیر ہے, بڑا فائدہ ہے, بڑی برکت ہے. لیشہدو منافع لہم فاذکر اسم اللہ,
अल्लाह पाक दे रस्ते दे अंदर कुर्बान जान करन वाले कुर्बान कीते जान वाले इन जानवरां दे अंदर ले यशहदू मुनाफे अलहुम अल्लाह ने बड़ा मुनाफा बड़ी खैर रखी दे सुबहान अल्लाह इंज समझ के जिरा तू जानवर कुर्बानी दा घर पा लिया तेनू बड़े सारे सबक सिखांदा है जे तेरे अंदर अकल मौजूद है जे तू तवज्जो करें जे तू फिकर करें ते अल्लाह दी कसमें बड़े सारे तेनू सबक सिखा रहे है सुबहान अल्लाह मैं कल बैठे बैठे चंद शेर आप लिखे ने जी आखो दे सुना लई है कुर्बानी दा बकरा तू कुर्बान करेगा अल्लाह दे नामे सारे आम करेगा करोगे अल्लाह कबूल फरमाए और सब तो पहला फायदा ही है वे कुर्बानी दा के मुशरक कौमा गैरुल्ला दे नाते अल्लाह दे पैदा कीते जानवर ज़बा कर दिया ने ते मोमन तौहीद दा अमली मुजाहरा कर दिया होया रब दे पैदा कीते जानवर उस सोने रब दे नाम ते कुर्बान कर देने सुभान कुर्बानी दा बकरा कुर्बान करेगा अल्लाह दे नाते सारे आम करेगा कुर्बानी दा जानवर तू मुल ले आया चंद देनी तू इनू चारा है पाया मुहब्बतां वफावां दा रिश्ता निभाया समझ आउंदी है भाई मुहब्बतां ऐ बकरा ऐ तेरा ऊंट ऐ तेरा कुर्बानी दा जानवर मुहब्बतां वफावां दा इन्हें रिश्ता निभाया गलों रस्सी लाके तू कई बार अजमाया जिधर जाएगा तेरे पीछे पीछे चलेगा अल्लाह दे नामे तू सरे आम करेगा कुर्बानी दा बकरा तू कुर्बान करेगा अल्लाह दे नामे सरे आम करेगा और कुर्बानी दा बकरा जेड़ा पैगाम की देंदा हिकमता की ने सुबहान अल्लाह वफा दा पैगाम दे के जा रहा है चंद दिन तू मेरा आरसी मालक है हकीकी मालक नहीं ओए बंदा कुर्बानी दे जानवर दा बल्कि दुनिया दी किसे शय दा कोई बंदा हकीकी मालक नहीं हकीकी मालिक कौन है अल्लाह दी ज़ात है चंद रुपये चंद पैसे ने खर्च किए ने आरसी तौर ते इहदी मलकियत दे अंदर जानवर आ गया इहने इहनू वंडा पाया इहने मुरब्बा खिलाया इहने इहनू घा पाया इहने इहदी खिदमत कीती है अल्लाह दी कसम है मुहब्बत ते वफा दे रिश्ते नूं मैं ते डंगरां नूं वी निभांदियां वेख्या मुहब्बत ते वफा दे रिश्ते जानवरां नूं नहीं निभांदियां वेख्या सारिया ने वेख्या गली ए गले विचों रस्सी ला दईए इस बकरे छतरे दे गले विचों पटा ला दईए जिदे जिदे मालक जाएगा पीछे पीछे बकरा जाएगा क्यों जाऊंगा तेनू दस दे पैगाम देंदा जिदा खाइए ओदी ताबेदारी करी दी और जिदा खाइए ओदी ताबेदारी करी दिए जिदा खाइए ओदे पिछे चली दे जिदा खाइए ओदा कहना मन्नी दे जिदा खाइए ओदे नल वफा करी दिए जिदा खाइए ओदे नल मुहब्बत करी दिए और जिदा खाइए ओदा दर छड़ के गैर दे दर ते जाइदा नहीं जाइदा ए बेवफावां दा कम हुंदा ते बेवकूफां दा कम हुंदा इस तरह दा कम वफादारां दा नहीं हुंदा ए कुर्बानी दा बकरा तेनू पैगाम देंदा पिया सुभान अल्लाह ओ पुराने वेले दी गल कुराने पाक दे अंदर दर्जे खुद खुद ने अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम मोटे मोटे सिराले मौलवियां नूं दित्ता समझ ना आई अज भी कुर्बानी दा जानवर पैगाम दे रहा है वफा दा कुर्बत पैगाम दे रहा है मुहब्बत दा वफादारी दा पैगाम दे रहा है सुभान अल्लाह अल्लाह इन्हां चीज़ां ते गौर करन दी और कुर्बानी दी असल रूह नूं पहुंचण दी तौफीक अता फरमा दे अगली गल सुन वाली जे पढ़ के नमाज तू जमीन ते लटाया नमाज पढ़ के लटाना है के पहले ही पढ़ के लटाया जे की ख्याल है नमाज पढ़ के लटाओगे ना
अल्लाह जिन्हें जिन्हें कुर्बानी करनी है पक्का नमाजी भी बना दे। अल्लाह जिवें दी आमीन है, अल्लाह इसे तरह दी अपनी रहमत वाला मामला फरमा के सब नू पांच वक्त बाजमात नमाज दी अदायगी दी हिम्मत ते तौफीक अता फरमा दे। पढ़ के नमाज तू जमीन ते लटाया, उन्हें तेनू अपनी जबानों सुनाया, मैं कुर्बान जिन्ने जहान बनाया। की आंदा? मैं कुर्बान जिन्ने जहान बनाया। ते होने जबाने हाल नाल ए छुरी फड़न वाले मौलवी नू पैसे खर्च करन वाले चौधरी नू की आंदा? मैं कुर्बान जिन्ने जहान बनाया, तेरा भी ओ मालक नाले जिन्ने तेनू जाया, सारी उम्र हर पल हुक्म उसे दा चलेगा। अल्लाह दे नाम ते तू सरे आम करेगा, कुर्बानी दा बकरा तू कुर्बान करेगा। अल्लाह दे नाम ते सरे आम करेगा, सुभान अल्लाह। ते अगली गल वेखो पैगाम की देंदा पिया, जबाने हाल नल वसीता नसीता की करदा पिया। काना ते लंगड़ा ते लागर नहीं करना, गल बड़ी प्यारी है। की आंदा बकरा? शरीयत ने तेनू पाबंद कीता, काना ते लंगड़ा ते लागर नहीं करना, खीरा ते बुड्ढा ते पागल पागल, खीरा नहीं करना बुड्ढा नहीं करना, हड्डियां मास छड़ गईयां होन ते ओनू बोलो नहीं करना। काना ते लंगड़ा ते लागर नहीं करना, खीरा ते बुड्ढा ते पागल नहीं करना, नक कन कटिया ते जख्मी नहीं चलना, नक कन कटिया ते जख्मी नहीं चलना, जो शर्तां शरी ने ओथों अगे नहीं बढ़ना, जो शर्तां शरी ने ओथों अगे नहीं बढ़ना, ओते शरीयत मुहम्मदी कौला नहीं चलना। और रब की अदालत च शरीयत चलनी है ते केड़ी चलनी है? शरीयत मुहम्मदी, मिलके कहो शरीयत मुहम्मदी चलनी है, कौला नहीं चलना। वमई यबतगे गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिनहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस वास्ते कुर्बानी ओई कबूल होएगी। बकरा पैगाम देंदा पिया कि मेरे मालिक ने तेनू पाबंद किया, काना नहीं करना, लंगड़ा नहीं करना, लूला नहीं करना, बुड्ढा नहीं करना, खीरा नहीं करना, जख्मी नहीं करना, ऐबदार नहीं करना। बुड्ढा बोलो बोलो, बुड्ढा बच्चा भी खीरा नहीं करना। एक की पैगाम है, की हिकमत है, की फलसफा है इसके अंदर? फलसफा ये वे, जवानी दी इबादत जवानी दी हुंदी है, जवानी दी इबादत जवानी दी हुंदी है। ते जेड़ा जानवर तू सभा करना पिया, बेऐब करना पिया, बेनकश करना पिया, सोना ते खूबसूरत करना पिया, और रब ते रात कोशिश करके कुर्बानी बेऐब जानवर दी करना है। जानवर कुर्बानी वाला तेनू मुखातब होके कह रहे हैं, कदी अपने ऐबा वाल भी नजरसानी कर लिया, अपने ऐबा वाल भी वेख्या कर, अपनिया करतूतां भी तकिया कर, अपने हालात भी जायजा लाया कर। नफरतां कुदूरतां हसद बुगद कीना फराड राजनी डाकाजनी जिना बेहयाई बेगैरती हर किस्म की गंदगी हर किस्म का ऐब, जिवें जानवर बेऐब अल्लाह के रस्ते अंदर सभा करना, अपने आप नूं भी बेऐब कर ले, अपने आप नूं भी हर गुनाह तो बाज कर ले, और अपने आप नूं भी रब के ताबे ते फरमा बरदार कर ले। अल्लाह इसे तरह की कुर्बानी सानू सब नूं नसीब फरमा दे। अद्दा अल्लाह, सब तो पहला फलसफा ते सब तो पहली बात, मुशरक कौम के सामने तौहीद का अमली मुजाहरा है,
दूसरी बात ले यशहदु मुनाफे अलहुम, बड़ा सारा रब ने फायदा रखे है दे अंदर। फायदा की है, कोई जानवर बेचता है पिया, कोई जानवर गिनते जाए दे, कोई जानवर पालता है पिया, कोई जानवर जबा करता है, खला लांदा है पिया, गोश्त बनांदा है पिया, कसाई फायदा थोड़ा है। कोई खला कठिया करता है पिया, कोई खला तो लड़ता है पिया, कोई खला कठिया करता है पिया, तो कोई खला तो आ दो साल हो गए लड़न वाला काम अल्लाह किता रुके है। त्री त्री रुपये की खल विकनी है तो लड़ना फिर घटा दे सा, इन्हें तो पेट्रोल खल लैन वाले का पूरा नहीं हुंदा। अल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर फरमा दे। कोई खला रंगदा पिया, कोई खला नू लून लांदा पिया, कोई वेचदा पिया, कोई लैंदा पिया, फिर इस तो अगे चमड़ा बन गया, जैकटा बन दियां ने पईयां, दस्ताने बनते ने पै। ले या सहाबू मुनाफे अलहुम, बड़ा सारा फायदा है, बड़ी सारी रब ने खैर रखी है। और फिर तीसरा फायदा कुर्बानी का, अल्लाह पाक फरमाते ने फाकुलू मिन हावाते मुल बाएसल फकीर, फाकुलू मिन हावाते मुल काने अवल मोतर, मंगण वाले नु भी दियो ते ना मंगण वाले नु भी दियो। हिस्से किन्ने करने ने, किन्ने किन्ने? सत्त। सुभान अल्लाह, पता ही कोई नहीं किन्ने। लत्तां किन्नियां होंदियां ने जानवर दियां? चार। तो हिस्से तो फिर चार बने, एक मौल साहब ने वंड की है फैसला बाद, चार हिस्से करो, एक मौलवियां दा, एक फकीरां दा, ते एक घर वालियां दा, ते एक रिश्तेदारां दा। बाहर कैफ इंतहाई हसास मौका है, इस मामले सीरियस हो जाओ। कोई बंदा मैनू बहुत परेशानी, एक साल मैं एक ना तहरीर पढ़ी सी कि लोगों जानवर जिहड़े ने कट बना के फ्रिजा चला लिया कुरबानी के मौके पर, ते वक्त जिहड़ा वो तकरीबन हो चुका है, लोगों जानवर जिसे विच ला लिया, तो होया कि बिजली बंद हो गई। और फिर दूसरे दिन जिसे बो मरन लग पाया, लोगों बरूड़िया से सटिया, यतीम दे बच्चे, यतीम दे बच्चे मां नाल बाहर निकले, गरीब दे बच्चे बाहर निकले। उन्हें कहा कुत्ते बड़े गोश्त खांदे ने पे, उन्हें कहा बेटा ये जानवर कुर्बानी वालिया दे गोश्त ने। उन्हें कहा इस इलाके विच ओ मुसलमान जेडे कुर्बानी करते ने, क्या कुत्तियां वास्ते कुर्बानी करते ने? कभी बिजली बंद हो जाए तो वेखो बनता की है। बाहर कैब जखीरा करना हादे च रह के कोई मना नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाओ भी, जमा भी करो, तकसीम भी करो। तो जेडे बंदे फजायल दसते ने, कुरबानी के मसायल दसते ने, कुरबानी दरकत दसते ने, उन्हों का भी ख्याल रखे जे। तो बाहर कैब ये तीसरे नंबर पर वाते मुल काने अवल मोहतर वाते मुल बाएसल फकीर। आखिरी बात के हुण जिहड़ियां खराफात साढ़े मुआशरे अंदर पाइया जाने, वुजू करा लो जी, छुरी नू हाथ लवा लो जी, बिल्कुल गैर शरी गैर मुस्तनद और फजूल किस्म दियां बातां ने। फिर एक होर ट्रेंड बड़ा, अल्लाह माफ फरमाए, खतरनाक जिहा चलिया है, उत्ते जनाब वो परांदे जे पाए हुंदे ने, फुल जे पाए हुंदे ने, ऊंट ते बकरे ते मैदियां लाइयां ने, फुल सट्टे ने, ढोल वाले नू पैसे दिते ने, वो ढोल दी थाप दे उत्ते बाल भंगड़ा पाउंदे ने, पै इस बाजारों ऊंट आ रहा है, इधर जा रहा है, इधरों बच्चा आ रहा है, इधर जा रहा है। ओए मेरे ओ भाईओ, ओ मेरे बुजुर्गो, खुदा वास्ते करके छड़ दिओ ऐसियां हरकतां, ऐ नमूदो नुमाइश नू छड़ दिओ, इस तरह दियां चीज़ां अमल बर्बाद कर देंदियां ने। अल्लाह दे हां कोई मुल नहीं पैंदा ऐसे अमाल दा। ऐ फिर जनाब जनाब हुण ज़बा करन लगे आ, हुण मूवी बना लो जी, नैट ते जनाब इहनू अपलोड कर दिओ जी, फेसबुक ते जनाब यूट्यूब ते अपलोड कर दिओ, साढ़े फलाने इन्ने साल पुरानी वीडियो भी हाले जनाब साड़ी कुर्बानी दी जड़ी वो नैट तो मिल जाती है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। फिर कसाई उजरत दे अंदर उन्होंने गोश्त दे के राजी नहीं करना, ये मसला जे उन्होंने उन्हों की उजरत अलग देनी है। अल्लाह इन्हों बातों का ख्याल रखद हो, मुहब्बत प्यार दे नाल इन्हों जानवरों अल्लाह के रस्ते वो नावे कुरबान करन की तौफीक अता फरमाए, और रज रज बरकत खैर रहमत अल्लाह समेटन की तौफीक दे। और मैं फिर दरखास्त करांगा कि माड़े यतीम और गरीब लोगों का अल्लाह पाक ने जरिया बनाया, मोटे जानवर तंदुरुस्त जानवर उन्हें तक गोश्त पहुँचाने का रब ने जरिया बनाया, उन्होंने लोगों का खास ख्याल रखना है। अल्लाह सब नू हिम्मत तौफीक अता फरमाए, जिन्हों दी अल्लाह जिन्हों तौफीक दी उन्हों दी कुर्बानियां कबूल फरमाए, जिन्हों तौफीक नहीं अल्लाह हिम्मत तौफीक अता फरमाए, और इन्होंने दिनों दरकत खैर समेटन की, और ईद दियाँ खुशियां के अंदर सब
अबदी खुशियां दे तौर ते सब नूं शामिल होण दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।